मैं अपने दामन को रेत से भरना चाहती थी, पर मेरे रब ने तो मेरे दामन को मोतियों से भरना था। आप मिल गए, मेरा दामन मोतियों से भर गया। जब आप और बाबा मेरे उस गुनाह की बात कर रहे थे तो दिल कह रहा था कि शर्म से डूब मरूं। मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। थोड़ा रो लो, तुम्हारी तड़प को करारा जाएगा। खाना लेके आओ मेरे लिए, भूख लग रही है मुझे। अम्मी अब्बू ने कहा भी था आप रुक जाएं, वहीं खा लेते, आप तो बाहर से ही चले गए। तुम्हारे घर से खाना खाऊंगा, पानी पीना भी तुम्हारे घर से मेरे लिए हराम है, समझी तुम? कुछ खाने के लिए लाते हो आपके लिए। रुको जी, इतनी बड़ी गाड़ी तुम्हारे घर वालों को छोड़ के लिए। क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं। इतने अमीर रिश्तेदार हैं तुम्हारे और मुझे नहीं पता? दूर के हैं काफी, अब अब्बू की साइड से आना जाना कम ही होता है उनका। ना ना, बात तो कुछ और है। यही बात है, जिस दिन मुझे हकीकत पता चल गई ना, उस दिन अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारा जो हशर करूंगा ना मैं, फिर तुम देखना। मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ। कौन है ये पार्टी, पता तो लगाना पड़ेगा। हाँ भाई, आज तो बड़ा खुश नजर आ रहे हो, पहली सैलरी जो मिल रही है। हाँ तो वे ट्रीट पक्की पक्की जी, तो आप लोगों की सैलरी तैयार है? ये आपकी सैलरी? ये आपका चेक, इस पे साइन कर दें। हाँ ये कुछ ज्यादा पैसे नहीं काट लिए? छुट्टियां की हैं तो सैलरी तो कटेगी। नहीं वो मुझे पता है, मैंने दो तीन छुट्टियां की होंगी, इतने पैसे काट लिए? दो तीन नहीं जनाब, पूरे 5 दिन की छुट्टी है आपकी।
अच्छा चले ठीक है, 5 छुट्टियां थी, लेकिन कोई गुंजाइश करे ना इसमें। देखिए जितनी गुंजाइश हो सकती थी वो मैं कर चुका हूँ, मजीद पॉसिबल नहीं। नहीं क्या मतलब पॉसिबल नहीं, पॉसिबल करें इसको। ये क्या बदतमीजी है, क्या हो रहा है वहां? क्या इशू है सर? छुट्टियों पे सैलरी कटी इनकी, तो इतना शोर कर रहे हैं ये। इसे पूरे महीने की सैलरी दो और इसे फारिग करो। जी सर। सर आप बैठिए, मैं देख लेता हूं। सर मैं मानता हूं कि मुझसे छुट्टियां कुछ ज्यादा हुई हैं, लेकिन मैं अपने आप को इस जॉब के काबिल समझता हूं। प्लीज प्लीज मुझे एक और मौका दे। इसकी फाइल लेकर रूम में आओ। जी सर। चलो अंदर। पहला महीना और 5 छुट्टियां। जी सर, कुछ इमरजेंसीज थी घर पे। वैसे भी शोज दैट यू आर अ नीडी पर्सन, जरूरतमंद होने के बावजूद इतनी गैर जिम्मेदारी। सर वो कुछ पर्सनल इश्यूज थे। मिस्टर पर्सनल इश्यूज हम सबके साथ होते हैं, लेकिन ऑफिस आने से पहले पर्सनल इश्यूज को ऑफिस के गेट के बाहर छोड़कर आते हैं। जी जी मैं आइंदा से मजीद ध्यान रखूंगा। हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। सर वो क्या है ना कि पहला महीना था मेरा, काम सीख रहा था, समझ रहा था, लेकिन आगे से अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी मेरी तरफ से। ठीक है, आपको एक चांस और देते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। जी सर। अब जाके अपना काम करो जाके। एक बात और, पर्सनल इश्यूज के साथ साथ अगली बार अपनी बदमाशी भी ऑफिस के बाहर छोड़ के आना।